नगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा ई टेंडर में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और वहां पे डीएससी कैसे इन्वॉल्वमेंट करते हैं। आज मैं आप लोगों को सीपीडब्ल्यूडी के साइट्स में बताऊंगा। यहां पे हर एक स्टेट के अपने अपने साइट्स हैं और सभी साइट्स जितने भी स्टेट्स हैं सबके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस सेम है। सिर्फ मैं यहां पे जो पोर्टल लिया हूं सीपीडब्ल्यूडी का लिया हूं। सीपीडब्ल्यूडी का देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, यहाँ पे नीचे ऑनलाइन बिडर इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो आप इसको क्रोम में ट्राई कीजिए, आपको दिख जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कभी कभी नहीं दिखता। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लॉगिन आईडी। यहाँ पे लॉगिन आईडी आपको एट द रेट करके आपको देना है। तो मैं जनरली याद रहे इसलिए मेरा जो जीमेल का आईडी है वही मैं आईडी लॉगिन आईडी और दोनों मैं यहाँ पे सेम कर दे रहा हूँ। लॉगिन आईडी कॉरेस्पोंडेंस ईमेल आईडी ताकि मुझे याद करने में प्रॉब्लम नहीं रहे। नहीं तो आप लॉगिन आईडी और कॉरेस्पोंडेंस ईमेल आईडी अलग अलग डाल सकते हैं, सिर्फ इसी फॉर्म में डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, पहले इंडिया का कोड और फिर बाद में मोबाइल नंबर। इसके बाद आता है कंपनी का नाम। जो आप कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वही कंपनी के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरा यहाँ पे ना है पूना पेस्ट कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, तो मैं इस नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन मेरा है ऑलरेडी, सर्विसेज जीएसटी वगैरह और लाइसेंस सभी इसी नाम से। यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर है तो प्लीज़ यहाँ पे अपना खुद का ही नाम डालेंगे, क्योंकि बाद में आपको नहीं तो बहुत तकलीफ होता है। वर्क ऑर्डर वगैरह सब कंपनी के नाम से निकलता है, पेमेंट भी इसी नाम से निकलता है और बाद में आपको अकाउंट के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रिफरेंशियल बिड, यदि आपके पास उद्योग आधार का लाइसेंस है तो आप एमएसएमई या उद्योग आधार तो आप यहाँ पे एमएसएमई चूज करेंगे, अदरवाइज इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी जेडपी जिसके भी लाइसेंस नंबर होंगे वो डाल सकते हैं। नहीं है तो इससे उतना कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, सिटी डाल रहा हूँ, स्टेट, पोस्टल कोड, उसके बाद अपना पेन नंबर या टेन यदि कंपनी हो गया है तो आपका टेन नंबर, नहीं तो इंडिविजुअल कंपनी है तो आपका पेन नंबर रहता है, आप अपना पेन नंबर डाल दीजिए। ऊपर आपको एड्रेस भी डालना है, यहाँ पे ईयर आपने किस ईयर में अपना कंपनी चालू किया था, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, पेस्ट कंट्रोल है या कोई सर्विसेज है जैसा भी, लीगल्स में पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कैसी कंपनी। यदि कंपनी आपकी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो एमएसएमई का नंबर अकॉर्डिंग टू जो भी आपका एमएसएमई में माइक्रो में है, स्मॉल में है, मीडियम में है, जैसा है उसके हिसाब से आपको उसका चूज करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अपना डाल रहा हूँ, मैं अभी ये जो डाल रहा हूँ ये उद्योग आधार का नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस आपका जो एड्रेस होगा रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड एड्रेस इसी नंबर पे आपको डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेटर भेजना चाहता है तो एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। याद रखिए कंपनी का नाम आपको चेंज करने को नहीं मिलेगा, कंपनी का नाम आपको प्रॉपर डालना है, बाद में ये चेंजेस नहीं होंगे और इससे जो डीएससी अटैच करेंगे वो इसके लिए फिक्स हो जाएगा। यदि आपको नया फिर से बनाना है तो नया डीएससी भी बनाना पड़ेगा और नया आईडी बनाना पड़ेगा। हाँ, आप क्रॉसपेंडेंस ईमेल आईडी सबके लिए सेम रख सकते हैं पर लॉगिन आईडी आपको हमेशा अलग अलग करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर भी आप रिपीट कर सकते हैं दो तीन बार। टाइटल में कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर मिसेस जो भी है आपका, उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम आपका जो कॉन्टैक्ट नेम से है ये हमको चेंज करने को मिलेगा हमेशा। हर टेंडर में भी आपको ये चेंज करने का ऑप्शन है, जब आप टेंडर फिल करेंगे हर एक जगह कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। जिनका दर है उनका डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहा हूँ। उसके बाद किस डेजिग्नेशन से है, तो ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी इसलिए प्रोप्राइटर प्राइवेट लिमिटेड होता है तो डायरेक्टर, या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हैं पार्टनरशिप होता है तो पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर में नेक्स्ट जो मोबाइल फोन है यहाँ पे याद रखेंगे दो अलग अलग फिर से कोड्स हैं, तो पहले में आप 330 डालिए और बाद में अपना मोबाइल नंबर। इससे क्या होगा एक एरर आता है जो आपका लॉग आउट होकर बाहर आ जाता है 10 IP एड्रेस बोल के, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी 000 डाला। इसके बाद इसको कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर, ये पूरा डिक्लेरेशन आ गया कि हमारा ये सब डिटेल सही है क्या, तो मैंने देखा सही है, सेंड वेरिफिकेशन कोड। अभी आपको एक मोबाइल पे और मेल पे दो वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसको ओटीपी भी, ये दोनों ओटीपी आपको डालना है।
पासवर्ड में सेट कर रहा हूँ। पासवर्ड में देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है पासवर्ड पॉलिसी, एट मिनिमम एट कैरेक्टर का होना चाहिए और एक कैपिटल, एक स्पेशल कैरेक्टर सभी होना चाहिए, 8 to 32 कैरेक्टर डाल सकते हैं। जनरली अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप कैसे भी आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं पासवर्ड के लिए आपको यूज दे देता हूँ admin@@321admin@123, ऐसा आप वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे पुट अप पासवर्ड आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एडमिन का एक कैपिटल या एडमिन का ए और एन कैपिटल, इस तरीके से आप पासवर्ड को कोई भी आप पासवर्ड अपने हिसाब से डाल सकते हैं या फिर आपको जो लगता है उसमें सभी इंक्लूड होने चाहिए ऐसे आपको पासवर्ड आपको रखना है। मोबाइल वेरिफिकेशन कोड आने में कभी थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट कीजिए, जिसको 10 मिनट्स का टाइम है 10 मिनट्स के अंदर आपको फिल करना है। इनकेस यदि नहीं भी आता है तो आप फिर से होम पेज पे जाएंगे और फिर से वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड या जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और नई न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करके आपका आईडी न्यू यूजर पे क्लिक कीजिए और वेरिफिकेशन कोड कीजिए, सेम यहीं पर जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ से फिर से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अभी तक मुझे मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड नहीं आया इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। जैसे मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड आएगा मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा, फिर बाद में कैप्चा डालूंगा और सबमिट करूंगा। ये CPWD का साइट है पर आपको अलग अलग सभी जितने भी हैं सबके आपको साइट्स में आपको देखो अभी तक कोड नहीं आया इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और देखिए फिर से मैं जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड कैसा करता हूँ क्योंकि मुझे कोड्स नहीं आए अभी तक। तो मैं यहाँ पे जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड फिर से किया और यहाँ पे अपना आईडी डाल दिया, न्यू यूजर क्या क्योंकि मेरे पास अभी तक आईडी जनरेट नहीं हुए इसलिए मैं न्यू यूजर हूँ अभी तक पासवर्ड नहीं किया और इसको सेंड वेरिफिकेशन कोड। फिर से अभी मोबाइल पे सेम ऑप्शन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो गया। सबके जितने भी ई प्रोक्योरमेंट के साइड है चाहे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम, केरला, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सबके प्रोसेस सेम तरीके से है। सिर्फ कर्नाटका के पोर्टल को 500 रुपीज चार्ज है, बाकी के मैक्सिमम UP ये सभी को फ्री में, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पे न्यू पासवर्ड प्लस कंफर्म पासवर्ड दिया। अभी यहाँ पे मेल का मैं डालूंगा, मोबाइल का ऑलरेडी आ गया मेरे पास। यहाँ देखिए अभी मेल का भी मेरे पास वेरिफिकेशन आ गया तो मैं यहाँ पे मेल का वेरिफिकेशन कोड इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका कैप्चा डालूंगा और इसको सबमिट। मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो गया। अभी मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड जनरेट हो गया पर यहाँ पे मेरा इससे लॉगिन नहीं हो पाऊंगा, सिर्फ मैंने अपना आईडी और पासवर्ड। अभी मुझे यहाँ पे DSC अटैच करना है पर DSC अटैच करना है तो मुझे यहाँ पे अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना है, क्रोम यूज नहीं करना है। क्या होता है यहाँ पे ऑनलाइन विदेश इंटरनेट का ऑप्शन नहीं आता है तो हम क्रोम में चले जाते हैं पर मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही था तो याद है कि मैं यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर इसलिए मुझे और कंप्यूटर का बेसिक सेटिंग्स है जो आपको करने पड़ेंगे पहले जो मैं आपके जो उसके वीडियो मैंने बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट आ रहा है, मैं यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा, जो DSC है या डिजिटल सिग्नेचर है उसको आपको अटैच करना होगा। यहाँ पे कोई भी Class 2 या Class 3 दोनों का DSC आपको चल जाता है, दोनों को कोई भी डिजिटल सिग्नेचर हो आपको काम करेगा। देखिए आप जावा का रन किया, रन ये जावा का रन जब तक आपके कंप्यूटर में प्रॉपर सेटिंग नहीं होगा तब तक आपका जावा में रन नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही होना चाहिए पहला और आपके कंप्यूटर का बेसिक जावा और आपकी जो भी बेसिक सेटिंग्स है वो सेटिंग्स क्लियर होनी चाहिए तो ही आपको ये जावा रन करेगा, अदरवाइज ये जावा रन नहीं करेगा। पर आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है एटलीस्ट 24 आवर्स पहले आपने बनाया हुआ होगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी डिजिटल क्योंकि मेरे कंप्यूटर में काफ़ी डिजिटल सिग्नेचर इंस्टॉल है इसलिए दिखा तो मैं यहाँ पे जिसका डिजिटल सिग्नेचर उस पर क्लिक करूँगा और ओके जैसे करूँगा ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। इसको बिल्डर इन्वॉल्वमेंट DSC का सेटिंग भी बोलते हैं या DSC पे आपका बिल्डर ये पोर्टल को DSC के साथ अटैचमेंट करने का डिजिटल सिग्नेचर अटैचमेंट करने का बोलते हैं ये सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसको ओके करेंगे ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मुझे शायद कोई आई थिंक एरर दे रहा है पर ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ।
पर रिफ्रेश करके फिर से मैं क्लिक कर लूँगा तो हो जाएगा, नहीं जरूरत नहीं पड़ा डीएससी एनरोलमेंट से कोर्स पर। मेरा ये डीएससी एनरोलमेंट हो डीएससी हो गया, इसको मैं आगे नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे आपका आगे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने चूज किया आप चाहो तो वहाँ पे बदल सकते हो, या तो ओटीपी मोबाइल का जो ओटीपी होगा वो मुझे डालना है या फर्स्ट टाइम के, नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछा नहीं पूछा जाएगा। जब आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे तभी आपकी ये ओटीपी छूट गया, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट लॉग इन करोगे उस टाइम पर आपको यहाँ पे अलग से फिर से ओटीपी नहीं आएगा, इसलिए आपको लगाना है। ऊपर में आप देखेंगे तो वेलकम पूना पेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज बोल के आ गया मेरे पास वेरीफाई। देखिए मेरा यहाँ पे डीएससी पूरे तरीके से इनरोलमेंट हो गया और मेरा पोर्टल ओपन। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली टेंडर सर्च कर सकता हूँ, टेंडर भर सकता हूँ। सर्च में जाके हम कैसे टेंडर को सर्च करते हैं आपको पता ही होगा, नहीं तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ से आप देख सकते हैं टेंडर में कैसे सर्च करता हूँ, उसके भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपके पास डायरेक्ट टेंडर आईडी है तो आप डायरेक्ट टेंडर आईडी से उसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे टेंडर आईडी डालिए और सर्च कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट टेंडर आईडी से सर्च करने को मिल जाएगा। और इसके आगे के जो पार्ट है कैसे टेंडर भरते हैं उसके ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।